हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आता हूँ। हेलो एल्केन एंड हेलो रिंग का सेकंड पार्ट। बच्चों ने काफी डिमांड किया और बराबर से मैसेज किया और उन्होंने कहा कि हेलो एल्केन एंड हेलो रिंग का सेकंड पार्ट भी बनाया जाए। तो आज मैं आपके सामने हेलो एल्केन एंड हेलो रिंग का सेकंड पार्ट लेके आता हूँ, जिसके अंदर हम नोमेनक्लेचर और एल्केन के प्रिपरेशन के बारे में और उनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अब बिना किसी देरी के मैं आपके सामने लेके आता हूँ हेलो एल्केन एंड हेलो रिंग का सेकंड पार्ट। ये सेकंड पार्ट मुझे क्या बोलता है, सबसे पहले लास्ट टाइम हमने क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया था, लेकिन इस बार हम नोमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करेंगे कि हेलो एल्केन और हेलो एलिन का नोमेनक्लेचर किस तरह से होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे नोमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो कैसे होगी बात, ध्यान से देखना इसको। नोमेनक्लेचर, अब सबसे पहली बात, जो हेलो एल्केन होते हैं या जितने भी एल्काइल हेलाइड होते हैं, एल्काइल हेलाइड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं अपन हेलो एल्केन से, और जितने भी एरिल हेलाइड होते हैं, एरिल हेलाइड का नोमेनक्लेचर में करता हूं हेलो एरिन से, ठीक है जी। तो सबसे पहले इसके एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के अंदर एल्काइल हेलाइड और एरिल हेलाइड के कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम, इनके मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, डाई हेलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव और टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर उसके बाद उसका कॉमन नेम लिखता हूं, फिर आपका आईयूपीएसी नाम लिखता हूं। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूले की बात करता हूं। जैसे मेरे पास आता है CH3Cl, ये पहला फॉर्मूला अपना, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड, क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। अब अगली चीज आईयूपीएसी नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं, हेलो एल्केन के थ्रू इसका नाम लिखते हैं। तो क्या लिखूंगा मैं, क्लोरो मिथेन, ये इसका नोमेनक्लेचर होगा। दूसरी चीज CH3CH2Br, ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा आपका, इथाइल ब्रोमाइड, और इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन, हेलो एल्केन, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन, ये इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होगा। नेक्स्ट चीज आती है आपकी CH3CH2CH2I, ये आयोडीन हो गया, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा आपका, तीन कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड, ठीक है। और इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, वन आयोडो प्रोपेन, क्या हो जाएगा, वन आयोडो प्रोपेन, क्योंकि नोमेनक्लेचर करते हैं 1 2 3 नंबरिंग करी, पहले कार्बन पे आपके आयोडीन जुड़ा हुआ है तो 1 आयोडो प्रोपेन, ये इसका नोमेनक्लेचर हुआ। अगली चीज की बात करता हूं, अगला फॉर्मूला है CH3CH CH3Br, ठीक है। अब यहाँ पे तीन कार्बन की चेन है, 1 2 3, अब तीन कार्बन की चेन है तो इसको क्या बोलूंगा मैं, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 2-bromo propane, ये इसका आईयूपीएसी नेमिंग हो जाएगा, सिंपल सा। अगली चीज, अच्छा अगला ध्यान से देखना, CH3CH2CH2CH2Cl, इसे क्या बोलूंगा मैं, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, जबकि इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, इसका 1-chloro-butane, 1-chloro-butane, ठीक है, ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगली चीज को ध्यान से देखना, अगर मेरे पास में कंपाउंड कुछ इस तरह से आता है तो क्या लिखूंगा इसको, मैं लिखूंगा इसका कॉमन नेम ये है आपका टर्शरी ब्यूटाइल, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन जुड़ा हुआ है ना, तो क्या लिखूंगा, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, 1 2 3, तो दूसरे वाले पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, दूसरे पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 2-chloro-2-methyl propane,
ठीक है, ये इसका आईयूपीएसी नेमिंग होगा। अब मैं अगली बात करता हूँ कि सर हाउ कैन आई प्रिपेयर हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो मैं सबसे पहले पहले बात करता हूँ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है जी, इसके बारे में आज अपन बात करते हैं। चलो आप प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन किस किस तरीके से किया जाएगा उसके बारे में आज बात करते हैं। सबसे पहला है फ्रॉम एल्केन। एल्केन के थ्रू किसे कैसे करूंगा, या मैं बोल दूं हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, हेलोजिनेशन करना है, बहुत सिंपल सी बात है। जब मैं कभी भी एल्केन की रिएक्शन हेलोजन के साथ करता हूं सनलाइट की प्रेजेंस में 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हेलाइड निकलता है बाहर और प्रोडक्ट की फॉर्म में एल्काइल हेलाइड का फॉर्मेशन होता है। ये क्या बन गया आपका, एल्काइल हेलाइड। इसके कुछ एग्जांपल्स देखना आप। ठीक है, मेरे पास सपोज जैसे CH4 है, ठीक है, इसका मैंने क्लोरीनेशन किया सनलाइट की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या होगा, यहां से HCl निकलेगा बाहर और प्रोडक्ट की फॉर्म में मिथाइल क्लोराइड बनेगा। वापस से इसका क्लोरीनेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वापस से आंख बंद करके HCl को निकालना है बाहर और प्रोडक्ट की फॉर्म में डाई क्लोरोमिथेन का फॉर्मेशन होगा। वापस से मैंने इसका क्लोरीनेशन किया सनलाइट के प्रेजेंस में, तो CHCl3 का फॉर्मेशन होगा, क्लोरोफॉर्म होगा, HCl निकलेगा वापस से बाहर, और वापस से जब इसका क्लोरीनेशन करूंगा सनलाइट के प्रेजेंस में तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा और HCl निकलेगा बाहर। ये होता है क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन, बहुत सिंपल सी चीज है बेटा। तो इसका नाम क्या लिया मैंने, मिथेन, मिथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरोमिथेन, ट्राइक्लोरोमिथेन और टेट्रा क्लोरोमिथेन, ये इसका नोमेनक्लेचर हुआ। अगली चीज की बात करता हूँ, अगली बात क्या है, किससे बनाऊंगा मैं। अच्छा, इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर देख लेते हैं एक बार। रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या बोलता है भाई, कि रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन डिक्रीज इन द ऑर्डर F2Cl2Br2I2, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा बेटा। तो ये यहां तक तो मेरे बात समझ में आती है, लेकिन सर अगला मेथड कौन सा होगा। अगले मेथड की मैं आपसे बात करता हूँ, या उससे पहले एक और मैं आपको बता देना चाहता हूँ ऑर्डर, के द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इन द ऑर्डर इन द ऑर्डर दैट बेंजाइलिक और एलाइलिक का लगभग बराबर होगा, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री CH4, विनाइलिक और एरिल का लगभग बराबर होगा। तो अब ध्यान से देखिएगा कि सर अगर मेरे पास एग्जांपल, आपने ये ऑर्डर बताया है तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन बताइए कि सपोज मेरे सामने एक क्वेश्चन है CH3, ये है ब्यूटेन, इसका क्लोरीनेशन किया तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट यहाँ पे आपके आइसोमर बनेंगे। हमेशा ये बात रखना, अगर किसी नॉर्मल एल्केन का मैं क्लोरीनेशन करता हूं तो वहां पे आपके डी और एल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में मुझे मिलेगा CH3C, ये तो बन गया आपका डी, और इसके अलावा ये बन गया आपका एल, ये देखिए। ठीक है जी, इस चीज का याद रखना, यहाँ पे एक रेसमी मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है, ये तो हो गया आपका डी, ये हो गया आपका एल, और ये दोनों आपस में मिलकर बना लेंगे रेसमी मिक्सचर, जिस दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर। ठीक है, अगला है आपका एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, ध्यान से सब देखना। सबसे पहले मेरे पास है प्रोपीन, ठीक है,
इस प्रोपीन का मैंने क्लोरीनेशन किया 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। तो ध्यान से देखना, जब क्लोरीनेशन करता हूँ 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये कभी भी डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर इफेक्ट नहीं डालती है, अल्फा कार्बन पे आपकी रिएक्शन होती है। अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन क्लोराइड को रिमूव करते हैं और उसकी जगह पे क्या आता है यहाँ पे बेटा, ध्यान से देखना, CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, इसे मैं बोलूंगा एलाइलिक क्लोराइड, ये इसका नाम हो गया एलाइलिक क्लोराइड। ठीक है बेटा, अगली चीज आती है। अब यही रिएक्शन को 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने रिएक्शन को पॉसिबल कराया, अगर इसकी जगह पे एन ब्रोमो सक्सिनामाइड भी होता ना, यहाँ पे 500 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह मैं एन ब्रोमो सक्सिनामाइड या SO2Cl2 का यूज करता 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तब भी ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाती। तो मैंने क्या बोला कि अगर इसकी जगह पे मैं NBS लेता हूँ या SO2Cl2 लेता हूँ एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी। अगर NBS लिया तो यहाँ पे क्लोरीन की जगह फिर ब्रोमीन आ जाता। ठीक है बेटा, इस चीज का ध्यान रखना। अगली चीज है फ्रॉम एल्कीन। अब एल्कीन के थ्रू करता हूं तो मुझे दो ही चीजें याद आती है कि यार मार्कोनिकोफ रूल और एंटी मार्कोनिकोफ रूल। मार्कोनिकोफ रूल क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर अटैक करता है, अटैक्स ऑन डबली बॉन्डेड कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर, उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। और एंटी मार्कोनिकोफ रूल को मैं खराश इफेक्ट या परोक्साइड इफेक्ट भी बोलता हूं। तो ये क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। नेगेटिव पार्ट अटैक्स ऑन डबली बॉन्डेड कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड। ठीक है, परोक्साइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। तो आंख बंद करके रिएक्शन को देखते हैं। RCA डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन मैंने कराई हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो इसने क्या बोला कि यहाँ पे परोक्साइड आपका एब्सेंट है, तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो क्या कहला गया आपका, मार्कोनिकोफ का रूल। अच्छा, मार्कोनिकोफ का रूल ये तो क्या था, सिमेट्रिकल फॉर्म में था। अगर अनसिमेट्रिकल फॉर्म में होता है तो क्या होता है, उस चीज को ध्यान से देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये सिमेट्रिकल फॉर्म है, हाइड्रोजन आयोडाइड है तो कहीं पे भी जाके ऐड हो जाएगा, तो सिंपल सी बात आएगी CH3CH2I, ये आयोडोथिन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल फॉर्म में आता है तो वहां पे क्या करेंगे, तो क्या करेंगे बेटा, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर अटैक होगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तो प्रोडक्टिव फॉर्म में क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका, एक सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है जी, ये हो गया आपका 2 डिग्री। और स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दूं, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। अगर यही रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है कि सर ये लो एक एंटी मार्कोनिकोफ का बताओ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में रिएक्शन कराई परोक्साइड की प्रेजेंस में, तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, RCH2CH2X, ये बन जाएगा बेटा। तो मतलब अगर मेरे पास में इक्वेशन रहती है कुछ इस तरह से, HBr के साथ में रिएक्शन कराई परोक्साइड की प्रेजेंस में, तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, येलो और येलो, ये देखो ये आपका एंटी मार्कोनिकोफ का रूल है इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड। ध्यान से देख लीजिए बेटा, अब ये तो था आपका प्रोडक्ट। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस आता है, ठीक है, एक्सेप्शनल केस क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, उस एक्सेप्शनल केस की आज मैं बात करता हूँ। बच्चों के मन में आता है कि सर आप HBr ही क्यों यूज करते हैं, सर आप HF क्यों यूज नहीं करते हैं, HCl क्यों यूज नहीं करते हैं, या हाइड्रोजन आयोडाइड का यूज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि HF और HCl का यूज इससे नहीं करते, क्योंकि बोथ दे आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, तो इनके बीच के बॉन्ड को इजिली ब्रेक नहीं किया जा सकता। लेकिन जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होता है, ये क्या होता है कि हाइड्रोजन आयोडाइड ऑल्सो गिव्स कॉरेस्पॉन्डिंग हेलोजन फ्री रेडिकल आई, ये आपका फ्री रेडिकल हुआ। बींग लार्जर इन साइज, इसका जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और रिएक्टिविटी इसकी क्या होती है, कम होती है, लेस रिएक्टिव इन नेचर, ठीक है। सो ये इजिली डबली बॉन्डेड कार्बन को डिसोसिएट नहीं कर पाता, ब्रेक नहीं कर पाता, और एक आयोडीन दूसरे आयोडीन फ्री रेडिकल के साथ में मिलकर आई टू का फॉर्मेशन कर लेता, ठीक है, ये इसका एक्सेप्शनल केस होगा। आगे मैं बात करता हूँ एल्कोहल के थ्रू, ठीक है, फ्रॉम एल्कोहल। अब एल्कोहल से कैसे फॉर्मेशन करेंगे बेटा, सबसे पहले बात तो है ये मेरा एल्कोहल, इसकी सबसे मैंने HCl के साथ में रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, फिर एल्कोहल की रिएक्शन मैंने SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ कराई, फिर मैंने इसे मैं डार्जन रिएक्शन कहता हूँ, एल्कोहल की रिएक्शन में PCl5 के साथ कराता हूँ, एल्कोहल की रिएक्शन में PCl3 के साथ कराता हूँ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या बनता है, ध्यान से देखना, जैसे ही अगर मैं यहाँ पे HCl के साथ कराता हूँ तो सिंपल सा मेरा रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या बन जाएगा, मेरा एल्काइल क्लोराइड प्लस H2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये होती है डार्जन रिएक्शन। इसको मैं तमीज से कैसे लिखता हूँ देखना खोल के, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो उसको खोल लो और खोल के मेरे को प्रोडक्ट बना लो। ये है मेरा HCl और ये मेरा SO2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और निकलते क्या बन जाएगा, यहाँ पे एल्काइल क्लोराइड प्लस SO2 प्लस HCl, ये मेरी डार्जन रिएक्शन कहलाती है, डार्जन रिएक्शन, ठीक है, नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको। PCl5 के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो PCl5 के साथ रिएक्शन कराने से पहले पहले इसको खोला जाएगा, ये मैंने इसको खोला, ठीक है, ये खोला, HCl निकला बाहर, POCl3 फॉस्फोरिल क्लोराइड निकला बाहर, और प्रोडक्ट की फॉर्म में RCl प्लस POCl3 प्लस HCl बन जाएगा। इधर की तरफ क्या होगा, 3 मोल्स ऑफ RCl प्लस H3PO3 का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हर केस में एल्काइल हैलाइड का यहाँ पे मैंने आपके फॉर्मेशन किया है। अगर यहाँ पे ये इसके अंदर ZnCl2 प्रेजेंट नहीं होता तो उसकी जगह मैं थायोनिल क्लोराइड भी ले सकता था यहाँ पे। नेक्स्ट चीज आती है कि एल्कोहल के साथ में कि भाई अगर HCl नहीं होता है तो यहाँ पे अपन उसका यूज भी कर सकते थे, कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज भी कर सकते थे, जिसे मैं ग्रूव्स प्रोसेस कहता हूँ। तो ये ग्रूव्स प्रोसेस को मैं एक बार बता देता हूँ आपके सामने, ग्रूव्स क्या प्रोसेस क्या बोलता है कि ये एल्कोहल है, मैंने HCl के साथ में रिएक्शन कराई कंसंट्रेटेड, तो यहाँ से पानी बाहर निकला और एल्काइल हैलाइड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। ये देखिए ये ग्रूव्स प्रोसेस होगा, और जो इसका रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड होता है, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज ग्रेटर देन HCl, ठीक है, ये इसका रिएक्टिव इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, एक और ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल फॉर हैलोजन एसिड वो क्या हो जाएगा, आपका 3 degrees ग्रेटर देन 2 degrees ग्रेटर देन 1 degree हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसका एक रीजन होता है, वो रीजन ऐसा, इसका मैंने इस तरह से क्यों लिखा, क्योंकि इसका एक रीजन है बेटा। वो रीजन क्या है कि ध्यान से देखना, ये है आपका एल्कोहल, ठीक है, H+ यहाँ से बाहर, H+ यहाँ पे एड होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, वो कार्बोकेटायन कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, ये अपने लोन पेयर इसको डोनेट करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे दो तरह की रिएक्शन होती है, यहाँ पे मैं SN1 रिएक्शन भी करा सकता हूँ, यहाँ पे मैं SN2 रिएक्शन भी करा सकता हूँ। SN और SN2 दोनों के अंदर आपके न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा, अगर मैं SN1 की रिएक्शन कराता हूँ तो यहाँ पे एक कार्बोनियम आयन बनेगा, सिंपल सी सबको पता है कि SN1 रिएक्शन हमेशा दो स्टेप में कंप्लीट होती है, तो पहले स्टेप में आपके कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटायन की हैलोजन आयन के साथ में न्यूक्लियोफाइल के साथ में रिएक्शन कराऊंगा तो एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और वहां यही चीज यहाँ पे कराऊंगा तो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड के साथ यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये H2 निकलेगा बाहर और इसका पीछे से आकर अटैक होगा, अटैक होते बना लेगा यहाँ पे आपका एल्काइल हैलाइड, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है आपको, देख लीजिए बेटा मैंने PCl5 के साथ करा दी, PCl3 के साथ करा दी है आपकी, ठीक है। अगर यहाँ पे PBr3 होता तो क्या होता, ध्यान से देखिए कि सर आपने PCl3 के साथ कराई है, PCl5 के साथ कराई है, PBr5 के साथ, PBr3 के साथ नहीं कराई है, उसका एक रीजन है, PBr3 एंड
PI3 का फॉर्मेशन में रेड फॉस्फोरस के साथ में कराता हूँ। रेड फॉस्फोरस की जब मैं Br2 और I2 के साथ में रिएक्शन कराता हूँ, तो रिएक्शन करवाने के बाद में यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में जो PBr3 और PI3 का फॉर्मेशन होता है। और क्या ये एल्कोहल के साथ में रिएक्शन कर सकते हैं? बिल्कुल सर, ये एल्कोहल के साथ में रिएक्शन करके 3 moles ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे H3PO2 का भी फॉर्मेशन होता है। उसी तरह से एल्कोहल की रिएक्शन जब PI3 के साथ कराई जाती है तो यहाँ पे एल्काइल आयोडाइड का और H3PO3 का फॉर्मेशन होता है, सॉरी इधर H3PO3 का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने PBr3 PI3 के साथ में रिएक्शन करके आपके एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन किया है। नेक्स्ट है आपका हुंस डीकर रिएक्शन। कौन सी है? हुंस डीकर रिएक्शन। हुंस डीकर रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन, क्या बोला मैंने, कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन जब मैं हैलोजन के साथ कराता हूँ CCl4 की प्रेजेंस में, तो आंख बंद करके यहाँ पे CO2 गैस निकलेगी बाहर, सिल्वर हेलाइड निकलेगा बाहर और प्रोडक्ट की फॉर्म में एल्काइल हेलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये है आपका एल्काइल हेलाइड। अब मैंने इसका एग्जाम्पल आपके सामने ले लिया कि भाई एग्जाम्पल जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O Ag, इसकी रिएक्शन में Cl2 के साथ करा देता हूँ CCl4 की प्रेजेंस में, तो CH3Cl बनेगा, CO2 बनेगा और AgCl का यहाँ से बाहर निकल जाएगी आपकी, ठीक है। द यील्ड, इसमें एक ऑर्डर है, वो ऑर्डर क्या है आपका, द यील्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड बाय दिस मेथड इज इन द ऑर्डर 1 degree greater than 2 degree greater than 3 degree, ठीक है जी, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। अगली रिएक्शन मैं थोड़ी देर में जैसे ही बच्चों की आती है तो मैं उसके बाद बताता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर करें, ठीक है, थैंक यू।